नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के नेताओं ने चिराग पासवान को फोन किया है। ये बात बिहार की राजनीति के उस दौर में अगर कही जाए जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच 36 का नहीं 72 का आंकड़ा है, राजनीतिक दुश्मनी इस कगार पर है, वैसे में आपको यकीन नहीं होगा इस बात पर, इस खबर पर। लेकिन चूंकि ये बात हम नहीं कर रहे हैं, खुद चिराग पासवान ने यह दावा किया है, चिराग पासवान ने यह खुलासा किया है कि जेडीयू के कई नेताओं ने उन्हें फोन किया है, इसलिए आपको इस बात पर यकीन करना पड़ेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि जेडीयू के कई नेताओं ने उनको फोन किया था। मामला बंगला विवाद से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में 12 जनपद का उनका बंगला, जो उनके पिता लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान को बतौर केंद्रीय मंत्री मिला था, उसको खाली कराया गया। अंबेडकर की मूर्ति 12 जनपद के बाहर फेंकी गई, ये आरोप है। उनका अपमान किया गया, रामविलास पासवान का अपमान किया, यह भी आरोप है। तस्वीरों के जरिए कई तरह के आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद चिराग पासवान का ये बयान सामने आया है। इस मामले को लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि एक नहीं कई पार्टियों के नेताओं ने हमको फोन किया और उन्होंने इस तरीके पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। और फोन करने वालों में तेजस्वी यादव भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं और जेडीयू के नेता भी हैं। तो चलिए चिराग पासवान का वो बयान हम आपको सुनवा देते हैं। इस पूरे मामले पर चिराग पासवान ने क्या कहा है। मेरे पिता, मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीरों को बाहर फेंका गया। भाई, हम तो दोपहर में ही घर से निकल गए थे। उसके बाद जिस तरीके से उनकी तस्वीरों को फेंका गया, पांव तले उनको रौंदा गया, मेरे माता पिता के बिस्तर के ऊपर जूते चप्पल पहनकर, भाई घर खाली कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बार बार इस बात को बोला है कि अगर आप नहीं करवाते तो दो दिन में, मैं तो भाई एक रात पहले घर खाली कर ही रहा था ना, 29 तारीख रात को, तो मैं तो वैसे ही घर खाली कर देता। बट घर खाली कराने का एक तरीका होता है। इस तरीके से महापुरुषों का अपमान कर कर और उस अपमान पर जो लोग खामोश हैं, तकलीफ मुझे उस बात की है, जो लोग खामोश है। भाई कई ऐसे विरोधी हैं जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर फोन किया, कम से कम उन्होंने अपनी संवेदना तो प्रकट की। भाई जनता दल यूनाइटेड के भी बहुत लोग हैं, बहुत इनके नेता हैं जिन्होंने मुझे फोन करके बोला कि ये तरीका सही नहीं था, जो कि स्वाभाविक है, प्रक्रिया से ऐतराज नहीं पर तरीका गलत था।